सो गाइज, माय नेम इज आशीष एंड यू आर वाचिंग नेशनल स्ट्रोक। अभी से कुछ दिन पहले न्यूज ये निकल के आती है कि जेद कारगिल ऑफिशियली WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हैं, यानी कि WWE अनाउंस करके बताती है कि AEW के सुपरस्टार को वो अपने कंपनी में ला चुके हैं और उन्होंने साइन भी कर लिया है। तो इसी चीज पर डिस्कस करने वाले हैं कि जेद कारगिल का हमें क्या सेगमेंट देखने को मिल सकता है, ग्रेसन वालर क्या बोल रहे हैं जेद कारगिल के बारे में। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाओ जाके सब्सक्राइब कर लो और चलिए सेलिब वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपको पता होगा कि अभी से कुछ दिन पहले WWE अनाउंस करती है कि AEW की वुमेन्स डिवीजन के सुपरस्टार जेद कारगिल WWE में आने वाली हैं, यानी कि WWE अनाउंस करती है कि जेद कारगिल और WWE के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और अब हमें जल्दी ही उनका डेब्यू देखने को मिलेगा। ESPN के थ्रू WWE इस चीज़ को अनाउंस करती है और जितने भी, मतलब आप ये कह सकते हो कि WWE के यूनिवर्स रहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश रहता है क्योंकि इसके रूमर्स काफ़ी दिन पहले से ही आ रहे थे कि जेद कारगिल का हमें AEW के डिपार्चर के बाद हमें WWE में डेब्यू देखने को मिल जाएगा। स्ट्रॉन्गली रूमर्स ये आ रहे थे कि जेद कारगिल WWE को ज्वाइन करेंगी। तो गाइस, जैसे ही ये न्यूज निकल के आती है कि जेद कारगिल WWE को ज्वाइन करने वाली हैं, तो ग्रेसन वालर एक ट्विटर पे ट्वीट करते हैं, जैसा कि अभी आप स्क्रीनशॉट को देख रहे हो, और वो इस वाले ट्वीट से ये बताना चाह रहे हैं कि कितना अच्छा तरीका होगा कि ग्रेसन वालर के शो में WWE यूनिवर्स के सामने इंट्रोड्यूस किया जाए जेद कारगिल को, और इससे बढ़िया तरीका और कोई भी नहीं हो सकता है WWE के यूनिवर्स के सामने जेद कारगिल को इंट्रोड्यूस करने का। तो देख लो भैया, WWE को एक आइडिया पिच करके दे रहे हैं जेद कारगिल के बारे में कि कैसे जेद कारगिल को WWE टेलीविजन पे डेब्यू कराया जाए। और ग्रेसन वालर कुछ यही चीज को बोल रहा है कि ग्रेसन वालर के शो में अचानक से एक स्पेशल गेस्ट जेद कारगिल को रखा जाए और कुछ इस प्रकार से WWE के यूनिवर्स के सामने जेद कारगिल को पेश किया जाए, तो ये काफी अच्छा तरीका होगा। तो ये ग्रेसन वालर का कहना है। अब देख लो, ये तो अपने शो को प्रमोट कर रहे हैं और कुछ यही चीजें अभी निकल के आई, तो मैंने सोचा कि चलो आपको अपडेट करा दिया जाए। तो देख रहा हूँ गाइस कि हमें जेद कारगिल का कब डेब्यू देखने को मिलता है। जब भी हो, काफी करीब है हम लोग जेद कारगिल के WWE के डेब्यू में, क्योंकि वो तो ऑफिशियली साइन हो चुकी हैं।